बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल जी? तबीयत सेहत ठीक है जी? मैं हाँ मुलाजम हुसैन, तो तुसा यूट्यूब चैनल वेखदे पए हो जंग दा मुंडा जी। वीवर्स, मैं अज अपने रिश्तेदारों को आया हूँ, अपने कज़न को आया हूँ जी, तो उन्हां दी चुनी दी पईआं मर्चां। मैं अज तुहानू मर्चां दी पूरी वीडियो विखाई सां कि मर्चां जिहड़ियां पई कि जिन्हां सुना काश्त की हुई है और कदन काश्त करेंदे ने, किहड़े महीने काश्त होंदी और कितना दे उत्ते खर्चा हुंदा है, और इन्हां दी सेल जिहड़ी है सप्लाई जिहड़ी कित्थे कित्थे करेंदे ने, कितने दिन च तैयार होंगी है। ये सारी डिटेल मैं अच्छा इस वीडियो में विखाई सा और अपने कज़न नाल मिलाई सा, उन्होंने को पूछा इन्हों मर्चा के बारे जी। तुसा वीडियो पूरी वेखनी है और तुहानू बड़ा फायदा सी इस वीडियो का जी। तो हूँ मैं तुहानू मिलाईना अपने कज़न नाल, ते सारी डिटेल तुहानू दस्सने अज मर्चा की। वे दे पियो जी, गट्टू भरी के आंदे पैन जी मर्चा दे, ना तुलींदियां वेंदियां ने इस कंडे ते मर्चा चोन लिया ने। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? सब ठीक हो? खैर, मर्चा चुनाई खाले हो जी? हां, मर्चा चुनाई गए। अच्छा, ये दसया भाई सानू ये मर्चा जणी ने पईया, ये पहली तो ये दसो भाई केड़ी है मर्चा दी? ये गोल्डन हार्ट है जी। गोल्डन हार्ट जी। अच्छा, तो ये दी पनीरी दा तुसा जड़ा बंदोबस्त किवें करंदे हो? किदू लायम दे हो या आप बनाइंदे हो? पनीर बी लमींदा जी मुल्तान नु। अच्छा, ते ओ खुद तैयार करिंदी पनीर? पनीर खुद तैयार करंदे हो जी? उस ते कितने दिन लगवेंदे ने? उस तरह लाग महीने जी, महीना एक लाग महीने। अच्छा, महीना महीने से तैयार हो जी? अक्टूबर गड़े ना केड़े महीने गड़े दे? अक्टूबर च? अक्टूबर ते नवंबर तैयार हो जी। ते लगदी मुड़गा नवंबर च लाग वेंदी या अगले महीने? नवंबर। अच्छा, ते कितने मुड़े महीने तैयार हो जी? मार्च तैयार हो जी? यानी के ए दुए महीने तैयार हो जी? दो महीने बाद तैयार हो जी? नहीं, फरवरी तैयार हो। अच्छा, फरवरी। ते ए वास्ते तुहानू कितनी जन के लागत दित्ते हुंदी है? एक किले ते एक कट ते भाई मर्चां दी पनीरी ते एक कट 2 लाख लागत हुंदी है? 2 लाख जी। एक एक कट ते सिर्फ पनीरी दी एदे उत्ते जो खर्चा ओ विच ही टोटल खर्चा जी? अच्छा, टोटल खर्चा तैयार करण ताई 2 लाख हो गए जी। हुण तुसा जन के तैयार हो के चुना रहे हो जी, इस एदे ते 2 लाख पर एकड़ खर्चा हो चुका जी। अच्छा, ते तुसा मुड़े सेल कित्थे कित्थे करंदे हो? सेल जिथे भी चंगा रेट होए मंडी है, ज्यादा मुल्तान या पिशावर चल जी। अच्छा, मुल्तान या पिशावर। तुहानू मुड़ के कितना प्रॉफिट हो जांदा? प्रॉफिट रेट दे सेल तो जी, अगर रेट अच्छा होवे तो अच्छा प्रॉफिट होंदा। अच्छा, उरा मैं करया का कोई देन तो जाना। अच्छा, रेट दा हिसाब होंदा, अगर रेट अच्छा है तो प्रॉफिट अच्छा है, रेट कम हो वने तो रेट प्रॉफिट दी रेशियो ही कम हो। ते हुण ए तुसा ए जेड़ी मर चुनाई खले हो, ए गटुआं दे भर के लाया भाई सोईया छापरां दे भाई? ए छापर ही ज्यादा वेंदी है। अच्छा, पांच छापर कितने वजन दा होंदा? 5 किलो। 5 किलो दा जी? अच्छा, ते ए मुड़ पर छापर दे हिसाब नाल होंदा या कोई मान शान दे हिसाब नाल? छापर दे हिसाब होंदा, किलो दा हिसाब होंदा। अच्छा, किलो दा हिसाब होंदा, 5 किलो दा छापर होंदा, ओदे हिसाब नाल। तुसा मुड़े के शै लाया वेंदे हो? डाले शाले? हां, डाले। खराब नहीं होंदियां वेंदे ताई? नहीं, खराब ते 2 दे ही नहीं होंदियां। अच्छा, गर्मी मसला होंदा सर्दियों तेरा मसला, इस टाइम तो कोई मसला ही नहीं। हाँ, गर्मी ज्यादा मसी तो बात जल्दी करनी पड़ती। अच्छा, तो कितने दिन बाद दोबारा तैयार हो जाए मोचुनी वास्ते? एक हफ्ते बाद तैयार हो जाए। अच्छा, हफ्ते बाद तैयार हो जाए जी? तो चुनन तो बाद दोबारा भी कोई खाद शाद दें दे हो जी? हर चुनाई तो बाद खाद पानी। अच्छा, तो इन्ना ए कितना दिन यानी के भाई चुनी दिया रहा है? ए भाई दुए महीने शुरू है, 7वें महीने तक भाई, फिर 5 महीने चल दिए। अच्छा, 5 महीने चल दिए ने जी। कितना मुनाफा दे वेंदियां ने किले च तुहानू? मुनाफा तकरीबन तुहानू दस्सिया पे रेट ते होंदा, अगर अच्छा रेट लग वेंदा तो 2-3 लाख दे वेंदियां, अगर घट रेट होवे तो। पर एकड़ जी? तुसा कितनी काश्त कीती होईयां? मेरे कोल 7 बीघे जी। अच्छा, 7 बीघे दी काश्त कीती होईयां जी? माशाल्लाह डे सर। ए हुण अगे कदां चुनाई कराई आ, हुण कितने दिन बाद करिंदे पए हो? ए हर हफ्ते बाद होंदी चुनाई। अच्छा, हर हफ्ते बाद जी? मौजा लाई खले हो जी? अच्छा, ते पिछली बार किधर? मुल्तान या पिशावर? पिछली बारी मुल्तान दी। अच्छा, मुल्तान, ठीक हो गया। ए केड़ी गोल्डन हार्ट दसेंदे पयो? ए गोल्डन हार्ट, ए रत्ती भी हो इंदी है या बस सावी सावी होंदी मुक होइंदी खत्म होइंदी? नहीं, सुर्ख ही हो इंदी, पीछे जल गर्मी ज्यादा पमदी हो से सुर्ख हो इंदी। अच्छा अच्छा, मोर सुर्ख भी चेंदे हो जी? हां, सुर्ख ही सही हो। सही है। ए दसया भी जड़ा चोणियां चुणदियां जी, इनां नु क्या हिसाब देंदे हो तुसा? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ, 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ 5 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ 509 ਉਹਦਾ 6 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ? ਅੱਛਾ, 5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਨ ਕਿਰਾਨ ਨੂੰ ਜੀ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਕੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ? ਜੀ, ਸਰਦੀ ਛਾਪਰ ਉੱਤੋਂ ਲੱਗਦਾ।
अच्छा नहीं तो सर्दी काश नवंबर ही काश्त होंगी ना ये नवंबर चाहिए दिसंबर छापर लाग पा उ अच्छा तो छापर दुते भी बड़ा खर्चा आंदा होना था जी हाँ लाख रुपये का छापर है तकरीबन। अच्छा चलो ठीक है जी भाई नासिर बैठे ने वेखो जे कोई लिखते बैठे मर्चा ना वजन शदन जी जी चोणियाँ दे वैंदियाँ नासिर भाई वजन लिख रहे हो तो सा अच्छा कितनी हो गई हूँ तक कुछ पता कि हिसाब नहीं हमदा 10-15 मान हो गई अच्छा 10-15 मान तो लिखी बैठन जी भाई नासिर जी ए नाल इधर तो कोई कंडा लगा पिया तो मर्चा ला के आमदी खानियाँ चोणियाँ इतने तोल वैंदा तो उस तो बाद ना ए वजन लिख लेंदे इतने वजन लिखे होने तो बाद ना इस वजन मुताबिक मचौनिया पैसे मिलते हैं जी जी भी वर्दे वेख रहे तो सामने ना मर्चा के जो मर्चा चुनी वैंदियाँ ना चुनी वन तो बाद मुड़ इन्हों स्परे भी कर देंगे जी लाजमी क्योंकि स्परे होने नाल ना मर्च दे फिर वो कोई बीमारी शिमारी की वजह तो ना महफूज होती मर्च जड़ी है स्परे लाजमी कर लेंगे चुनी वन तो बाद तक अगले चुनाई तक स्परे का असर जो हो चुका हो कि मर्च महफूज रहे जी ते ओ भाई दे वदन जी सामने मेरे आ वेद पे जी दूर वदा जी अगा ओ उरा हटदा तो तानु ओ दे नाल मिलई ने आ जी ए मैं तानु दिखाव जी आ वेखो जी प्रोफाइल ए दा नाम है जी प्रोफाइल ए स्प्रे भी हो सकदा विकारी होवे जी ओ भाई आया खला ना हुन तानु मिलई ने आ जी आ वेखो जी ए भाई स्प्रे करंदा वदे ने जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है भाई जान ठीक हो खैरियत है स्प्रे कर कितनी टैंकी कर वही डेली तकरीबन टैंकी तो कर भी 50-60 टैंकी कर भी अच्छा बड़ी स्पीड कर रहा स्प्रे जी हाँ तो ये मुझे एक टैंकी कितना लेंगे एक टैंकी तो लै लें 50-60 रुपये लै लें 50-60 रुपये हाँ जी अच्छा हूँ तो साढ़ी तो हम महीने मुक्की मार लाना थोड़ी मंथली मुक्की हुई अच्छा जो मर्च चुनी उस बाद स्प्रे लाजमी करना जी स्प्रे लाजमी करना अच्छा तो कितने वजन दी टैंकी टैंकी दी वजन 45 किलो वजन होता अच्छा 45 किलो पानी समाया जाने के पानी दा होता अच्छा ए दा अपना कितना वजन है ए दा अपना भी देना होता 20 किलो ए जनरेटर वाली है हां जी कितना है एक एकड़ ते कितना वजन होवे अच्छा एक एकड़ ते कितना तेल नाल चल वेंदी है के भाई एक तेल कितना दे पैंदे हो भाई टैंकी 7 लीटर पाने 2 किलो राम अच्छा अच्छा अद्धे अद्धे लीटर ना 2-3 किलो करवाइंदी वाह जी माशाल्लाह आज तक कितना खेती खले होते 2 किलो खेती खले अच्छा कल्ला बंदा ओके वाह ठीक है भाई मेहरबानी अल्लाह हाफिज़ जी व्यूअर तुसा अपना ए भाई हां जी स्प्रे करन वाले जी तुसा उनां दी गलबात सुनी है जी ओ दस रहन के मैं इस टाइम तक ना सुबह दे हुण तकरीबन 9 बजे दे पैन जी ते उस 2 किलियां ते स्प्रे कर लिया जी 2 एकड़ ते जी तो वो 50-60 रुपये पर टैंकी का लगता है जी तो एक टैंकी का वजन जड़े ने जी 45-50 किलो है पे जी तो वो इस टाइम 2 एकड़ खेती ठीक है जी बड़ी मेहरबानी थोड़ा कीमती वक्त लिया तो अपना काम कर रहा बहुत शुक्रिया जनाब जी वीवर तुसा अपना भाई मुहम्मद यूसुफ की गल सुनी है जी मर्चा के बारे सानू सारी उन्हें डिटेल दी जी कि मर्चा जड़ियाँ किवें काश्त होंगे पनीरी किवें तैयार करें देन और कितने दिन लगते हैं और इस कितना खर्चा आंदा तो उस तो बाद कितने दिनों बाद चुनाई करें देन मर्चा की जी और कितने कितने सप्लाई करें देन जी तो यह सारी डिटेल तुसे इस वीडियो की वेखी जी अगर तुहानू वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर कर देना चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की होर भी तुहानू वीडियो मिल सके और तुसा वेख सको जी वीडियो वेखण का बहुत बहुत शुक्रिया जी हूँ मिलसा एक नवी वीडियो और नवे व्लॉग नाल तब तक के लिए इजाजत अल्लाह हाफिज़ जी।